हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी फूड वर्ल्ड। आज मैं मशरूम मसाला बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मशरूम मसाला। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर रफली चॉप्ड प्याज डालेंगे। प्याज को एक बढ़िया कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, प्याज आप निकाल लीजिएगा, एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही रहने दीजिएगा। अब चलिए इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं, पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा। अब मशरूम लेते हैं, मशरूम को इसी प्रकार से कट कर लीजिएगा। एक बोल में सारे मशरूम डालिएगा, लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डालिएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालिएगा, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला डालिएगा, एक चम्मच चिकन या मटन का मसाला डालिएगा, आधी कटोरी फ्रेश दही। अब बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दीजिएगा और थोड़ा सा नमक। बस अब सारे मसालों की अच्छे से मशरूम के ऊपर कोटिंग कर दीजिएगा। और ये पिसा हुआ प्याज का पेस्ट डाल दीजिएगा। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ में बहुत हेल्दी भी होती है, तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। मशरूम पर सारे मसालों की अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब उसी कढ़ाई में जो तेल बचा था उसी में दो तेज पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक बड़ी इलायची डालेंगे, दो टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, दो हरी इलायची, एक चक्रफूल और थोड़ी सी लौंग यानी 4-5 लौंग। सभी को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मशरूम डाल दीजिएगा और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाइएगा। इसे तब तक पकाइएगा जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले पूरी तरह से पक चुके हैं। अब उसी बोल में जिसमें आपने मशरूम की कोटिंग की थी, आधा कप पानी लीजिएगा और इसी कढ़ाई में डाल दीजिएगा। इसकी ग्रेवी थिक ही अच्छी लगती है, तो ग्रेवी पतली बिल्कुल ना करिएगा। अब इसे लगभग 10 मिनट तक ढककर पकाइएगा। 10 मिनट हो चुके हैं और मशरूम मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दीजिए। अब इसे आप रोटी से, पूड़ी से, पराठा से, जिससे भी खाना पसंद करते हैं उससे खाइए और इंजॉय करिए। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और जल्दी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।